शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया है। शरद पवार के इस कदम को 2024 को लेकर बड़ी राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि जीत पवार को किसी भी जिम्मेदारी से दूर रखा गया है। वहीं अजित पवार को कोई भी जिम्मेदारी ना दिए जाने पर बीजेपी कटाक्ष करती है। शरद पवार ने एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस पर बड़ी घोषणा करते हुए अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। अजित पवार के लिए शरद पवार के इस फैसले को बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पवार ने संकेत दे दिए हैं कि उनके बाद एनसीपी की कमान उनकी बेटी सुप्रिया सुले या प्रफुल्ल पटेल के हाथों में होगी। इस ऐलान को बीजेपी ने परिवारवाद का नाम देते हुए कहा कि कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने के लिए होते हैं। पुनः एक बार यह बात सामने आई कि जब चुनने की बारी आई तो पिता ने अपने पुत्री को चुना और अजित दादा के साथ पुनः एक बार अन्याय कर दिया। यह हम नहीं कह रहे, यह राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं की भावना यहां पर खुल करके सामने आ रही है। बांट दिया गया है काम ताकि उनके ऊपर और जिम्मेदारी उनके कंधे के ऊपर डाल दी है और पूरे देश भर में अब इलेक्शन बहुत नजदीक आ रहे हैं